तो पिछले एपिसोड में साव्या ने अपना पूरा कोशिश किया था जहर निकालने का, लेकिन एक बार में पूरा जहर नहीं निकला, तो वो थोड़ा थोड़ा करके 7 ही दिनों का अंदर शायद पूरा जहर निकाल लेगा। और जहर निकालने के बाद उसका जो फ्लेम है जिसका इस्तेमाल करके वो जहर निकाल रहा था, उसमें भी वो जहर आ गया। अब देखते हैं कि साव्या कैसे उस जहर को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये होने जा रहा है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 4 एपिसोड 7। शोयन ने अवली फ्लेम को नालंजय के शरीर में डाला। शोयन फायर पॉइजन से बचने के लिए पूरी कोशिश करता है। पॉइजन बहुत खतरनाक था और पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता था। पॉइजन बार बार अवली फ्लेम पर हमला करता है और शोयन को चोट पहुंचाता है, लेकिन शोयन बच जाता है। करते वक्त शोयन को गलती से पता चला फायर पॉइजन में बहुत प्योर एनर्जी होती है, जिससे कि अपनी ताकत को बड़ी तेजी से बढ़ाया जा सकता है। सच में ये 2 आंक के एनर्जी तक को सोख सकता है। ताकत का इतना हिस्सा ही सबसे बड़ा है कि अगर इसे बार बार इस्तेमाल किया जाए तो दवदवशी तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। ओ, ये भी आ गया। ऐसा लगता है कि तुम अचानक बहुत ताकतवर हो गए हो। अभी कुछ नया चीज जिसको पता चल रहा है, इसलिए। क्या वो जहर से आजाद हो गया? नालंजय के शरीर में एक जानलेवा जहर है, हालांकि जहर का असर कुछ समय के लिए गायब हो गया है, लेकिन इसमें थोड़ा और समय लगेगा इस जहर से छुटकारा पाने के लिए। ये है फायर पॉइजन। ये तुम पर कैसे असर कर सकता है? पता नहीं, इसकी उम्मीद नहीं की थी। ये पूरी तरह से मेरी हेवनली फ्लेम का सामना कर सकता है। नॉर्मल फायर पॉइजन कभी भी हेवनली फ्लेम का सामना नहीं कर सकता, शायद इसलिए कि नालंजा जी के शरीर में फायर पॉइजन को बहुत ज्यादा वक्त हो गया है, जो कि म्यूटेशन कर रहा है। लेकिन मुझे कुछ गलत महसूस नहीं हुआ। इसको तो ऐसा लग रहा है कि इसका पावर और बढ़ रहा है। वो ये तुम क्या कर रहे हो? मैं इसे आजमाना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? ये तो इसका उंगली पे आ चुका है। वो लड़के इधर मत खेलो। ये तो कहीं भी शुरू हो जा रहा है। वो क्या टूटेगा? नहीं, क्या तोड़ दिया? बहुत हुआ, मेरी ताकत से भी ये थोड़ा जहरीला होगा। मुझे डर है कि ये तुम्हें भी तकलीफ देगा। मैं थोड़ा लापरवाह हो गया था। बड़ी ही अजीब है ये काली उंगली, मुझे इससे कभी कभी डर लगता है। ये मेरे शरीर के लिए अच्छा है। इससे डरना ही तुम्हारे पास है। अब क्या हो जाए, इसको तो जानता भी नहीं। ज्यादा परेशान मत हो। कैसे काम करता है? उम्मीद तो है। अल्केमिस्ट एसोसिएशन हेडक्वार्टर, शाही राजधानी के सबसे रईस इलाकों में से एक। इसमें एक मुफ्त व्यापार बाजार है। अल्केमिस्ट और व्यापारी यहाँ से मेडिकल इंग्रेडिएंट्स खरीद सकते हैं। थोड़ा ठीक से दिख रहा हो शायद। तुम भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए वहाँ जा सकते हो, शायद तुम्हें जो चाहिए वो वहाँ मिल सकता है। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो। कोई और मिल गया इसको। ये सच में तुम हो? और एक पुराना दोस्त। तुम्हें लंबे वक्त से नहीं देखा है, तुम और ज्यादा हैंडसम हो गए हो। अरे ये थोड़ा चिपकू जैसा लग रहा है। ज्यादा वक्त हो गया, तुम अभी भी सेकंड टायर के अल्काइमिस्ट हो। मुझे और चाउमी को जल्द ही सेकंड टायर के अल्काइमिस्ट बनाया जाएगा। लेनती हो? बदतमीज, तुमने पहली बार में इस लड़की का चेहरा भी नहीं पहचाना। कैसा हो सकता है कि तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है? मुझे क्यों लगता था कि ये कितना अजीब है? हो सकता है कि तुम मुझ पर पहले ही पिघल गए हो, है ना? है ना? ये बहुत ज्यादा चिपकू है। फ्यूचर की 2 टियर के अल्केमिस्ट, मुझे अभी काम है, माफ करना। ओह, ये लड़का, मत जाओ। अरे ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तुम भी यहाँ अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आए हो? लगता है तुम दवा बाजार जा रहे हो। इन दिनों मैं यहीं रह रही हूँ। मैं खरीदारी में अच्छी हूँ। कितना बोलता है ये। यहाँ ब्लैकस्टोन सिटी से ज्यादा भीड़ है। यहाँ कई स्पिरिचुअल हीलिंग का सामान मौजूद है, जो मास्टर ने कहा यहाँ देखा जा सकता है। बताने की जरूरत नहीं है कि आने वाले अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में देश भर के यंग अल्केमिस्ट यहाँ हैं। किस्मत से मैंने मास्टर से वहाँ जाने के लिए। अरे पीछे देख लो, सावियान गायब हो गया। अरे
किंग गुहे का चेला है। हमारे यंग अल्केमिस्ट का भगवान है वो, सबसे मशहूर। मिस लिनफी, मैं नहीं चाहता कि आप अपना वक्त बर्बाद करो। हा? मैं जो ढूंढने आया हूँ उसमें काफी वक्त लगेगा। अरे ओ, तुमने मुझे छोड़ दिया। इतना ओवरएक्टिंग क्यों कर रहा है? दौड़ दिया। शायन सोच रहा किसी तरह पीछा छूटे, मगर पीछा छूटने वाला तो है नहीं। तुम अचानक क्यों भाग गए? ये बाजार बहुत बड़ा है, जब आप पहली बार यहाँ आओ तो खोना आसान है। मुझे बताओ तुम क्या ढूंढ रहे हो, मुझे जरूर पता होगा। तो क्या आप बता सकती हैं सोल पावर को ठीक करने की दवा कहाँ होगी? मैं नहीं जानती। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ भी तो नहीं, अभी तो बताया सोल पावर को ठीक करने वाला दवा है। ये कितने का है? जनाब आपकी नजर अच्छी है, ये बेस्ट माउंटेन से है। मेडिसिन इंग्रेडिएंट को उनके बीच थोड़ा लग रहा है, जाता है। यानी दाम बढ़ा के जरूर इसका रेट बढ़ाएगा। आपको देखकर जो इतने ईमानदार है, मैं आपको छोड़ दूंगा। तीर फोड़ पिल से बदल सकते हैं। अरे टायर फोर पिल्स, कल एक अल्केमिस्ट ने भी पूछा, क्या तुमने टायर थ्री पिल्स नहीं कहा था? मिस आपने जो कहा वो कल था, अब आज है, तो आज की कीमतों का इस्तेमाल इसको लूट लेगा। चाविया मेरे पास इसे देने के लिए टियर फोर की पिल नहीं है। ओ, ओ, वो झूठा है, बेईमान। मास्टर सही है, इस बाजार में बहुत सारे धोखेबाज हैं। अगर ये बात मैं अपने दोस्त को बताऊं तो हो सकता है वो टियर फाइव तक की पिल दे दे। हाँ? क्या ऐसा भी कोई है? हाँ कीमत बढ़ गई, अब मैं इसे टियर पाँच पिल के बदले देना चाहता हूँ। क्या कर रहा है वो? ओ, ये चमकता चीज क्या है? और कोई भी यहाँ पे आया है? मिस, क्या आपको पीच ब्लोजिंग फायर खरीदना है? तुम्हें क्या चाहिए? सॉल्ट की निशानी के साथ एक टाइल फोर की पिल की रेसिपी, क्या आपको लेना है? आपकी डुस्की में सोल की छाप साफ नहीं है। यानी ये फेक है? ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अपनी रेसिपी को चार बार इस्तेमाल किया है, इसका इस्तेमाल करने का एक आखिरी मौका होना चाहिए। आपका मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो गुस्सा हो गया। आप झूठ बोल रहे हो, तुमने अभी इसको चेक करने के लिए लिया है, जरूर ही तुमने इसे चुपचाप से बदल दिया है। वो देखो, ये वही चोर की दुकान है। ये लड़की, अब ये लड़की फंस गई है। दूसरे लोगों को परेशान करती है। शाओयान तुम पहले जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं मास्टर को बुला के लाती हूँ। देखते हैं अब इस पॉइंट पे शाओयान क्या करेगा। अरे शाओयान तो चल दिया, को वापस आ गया, यानी मैटर सॉल्व करके ही जाएगा। तुम चोर हो? क्या कहा? देखो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा। नुस्खा वापस करो। अरे बच्चे, इस तुम्हारा इस मामले में कुछ लेना देना नहीं है, मुझे असली नौकरी। जब तक इसमें सोल फोर बची है उसके निशान तो मिल ही जाएंगे। अल्केमिस्ट गिल्ड मैनेजर से क्यों ना पूछ ले, चेक कर लेते हैं कि इसमें तुम्हारी सोल फोर्स है कि नहीं, इस तरह तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है। तू कहाँ से बच्चे? ये भी है। मैं टायर तो जल्दी चेक कर लूं। पढ़ता हूँ। मैंने कभी भी ऐसे नक्शा को बारे में नहीं पढ़ा जो सुपर पावर से मिलता है। तो मैं किस मास्टर ने पढ़ाया? ओ। ये अल्केमिस्ट। अब थोड़ा गुस्सा आने वाला है। इसका मास्टर पे सवाल उठाया। मैंने आपको देखो, सिर्फ तुम टायर टू के अल्केमिस्ट हो सकता है तुम्हारा मास्टर भी वही है, बेकार सा इधर उधर जा रहा है। फालतू को भड़का दिया शाओयान को।
माफी मांगो। वो बच्चे सिर्फ खुद को बरसते, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफी मांगू? हीरो अब तगड़ा फाइट होने वाला है कि मेरा खिलाड़ी हमेशा तैयार है। तुम पीछे हटो। वो सावियान अब जहर का इस्तेमाल करने वाला है। वो कुलाड़ी गायब। बस हल्का सा बचा, ये तो इसका जान चला जाता। चलो प्यार से बात करते, इतना गुस्सा अगर जो प्यार पे बात करने प्यार किया थोड़ी देर पहले तो मार हो रहा था। यस सर, बहुत दिलचस्प है। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तब मैं इसे सीख सकता हूँ। ये कौन आ रहा है दौड़ते हुए स्लो मोशन में? अरे मास्टर जल्दी करो। या छोटी लड़की, मैं सच में अब और नहीं दौड़ सकता, मेरे लिए रुको। अच्छा वो इसको कुछ पता चला, ये क्या है? मुझे इसका एहसास हुआ अभी थोड़ा देर में, वो भी इस पत्थर से। क्या ये सिर्फ मेरा भ्रम है? पीच ब्लॉसम भाई, यू ने इसके लिए नुस्खे का टुकड़ा दे दिया है। ये जेट का पीस मैं लूंगा, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। इसे माफी के रूप में ले सकते हैं आप। अरे अरे आप इसे ले लीजिए मेरी तरफ से, तोहफे के रूप से। जो बचे वो रख लेना। कोई कितना सुधर सकता है। ये तुम्हारा है। शुक्रिया। रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। शूमी डरो मत, मैं आ रही हूं। अब क्या फायदा आने का, पूरा मैटर ही खत्म हो गया। मेरे पास अभी काम है तो मैं जाना चाहूंगा। शायान, तुम सच में शाही राजधानी में आ गए हो, मैं गलत नहीं हूँ। इसको भी पहचान लिया। रैंक और मैं अभी अभी राजधानी पहुँचे, उसे इतनी जल्दी मिलने की उम्मीद नहीं थी। शुक्रिया मास्टर ऑर्थो। शाही राजधानी में यह एक सबसे प्रसिद्ध चाय है, मैं यह ट्राई करना चाहिए। अच्छा बच्चे, मैं एक साल से नहीं देखा, अब खुद को देखो। मुझे लगता है कम से कम 5 स्टार्स है ना। बस किस्मत से, सच में बहुत महान आदमी। चलो चलो चाय पी लो। ये पीने तो दो इसको। ये वाकई तुम हो जिसने 4 टायर पील उसके का इस्तेमाल किया बीच फ्लेम जैसी चीजों के लिए? अब ये कौन है? बहुत अच्छे, क्या खाक अच्छा। एक अल्केमिस्ट होकर भी तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं आता। क्या मैंने जो तुम्हें सिखाया वो सब खो गया? तुमने मुझे सच में निराश कर दिया। शोयान, इसको पीने तो देता। तुम मुझे देखो, मैं सच में बहुत ज्यादा नाराज। मास्टर फ्रैंक, माना कि ये पिच ब्लॉसम फायर ताकतवर नहीं है, लेकिन दूसरी फायर की तुलना में ये दुईकी से मिलाने में आसान होती है। इसके अलावा ये फायर बहुत नरम होती है, अल्केमिस्ट के लिए बहुत बढ़िया है। भले ही एक टियर 4 की रेसिपी बहुत कीमती थी, लेकिन एक मास्टर के रूप में सोचे तो ये बहुत काम की हो सकती है। ऐसा हो सकता है, अगर तुम कुछ तैयार करना चाहते हो तो कम से कम आधा साल लगेगा। ओह, तुम सच में शोमी का बचाव कर रहे हो है ना? क्या तुम इससे प्यार करते हो? ये तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड है। मास्टर और सोयान एक जरूरी बात करना चाहते हैं। हम आज रात में पता लगाएंगे कि अपराधी कौन है। मैं समझ गई। ये लोग का अपना ही चल रहा है। तुम अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना चाहते हो? नहीं, मैं यहाँ किसी और चीज के लिए आया हूँ। अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लो, तुम्हारा भविष्य जरूर अच्छा होगा। समय न जाने कितनी बड़ी ताकत होगी, तुम्हें अपने साथ शामिल होने के लिए बुलाएंगे। तुम्हारी इज्जत और पद में तुम काफी आगे बढ़ जाओगे। हाँ, जिस तरह पिलकिंग गोए को अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस जीतने के बाद आगे जाने का मौका मिला, उसी तरह
क्योंकि मुझे किसी और पर भरोसा करना पसंद नहीं, मैं खुद पर भरोसा करता हूँ। ओ हाँ, अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस जीतने वाला, अल्केमिस्ट गिल्ड के ऑनरी एल्डर बनेगा। सिर्फ एल्डर के लेवल का फायदा और ताकत का मजा ले सकोगे। गोदाम में रेयर मेडिकल इंग्रेडिएंट्स भी ले सकते। गोदाम में ऐसा कुछ है जो सोल पावर को ठीक कर सकता है? मैं ठीक से तो नहीं जानता, ऐसा कुछ है तब तो ये जरूर। जीतने का इनाम मेल डायर 6 स्पिरिटिंग पिल्स मेडिकल, तब तो ये जरूर भाग लेगा। भाग लेगा और जीतेगा भी। सिर्फ सोल पावर को जल्दी ठीक किया जा सकता है बल्कि ये सोल के दाव को भी ठीक कर सकता है। ये क्या हो रहा है शावियान को? कुछ हुआ अभी? सब कुछ रुक गया है शावियान को छोड़ के? ओ फिर से नहीं। लड़के, मेरे लिए स्पिरिट मेल्टिंग पिल का नुस्खा लेकर आओ तो ही मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। ये कभी भी आ जाता है इसको धमकाने के लिए। मैं वादा करता हूँ आपको ये करने की जरूरत नहीं, मैं ये कर लूंगा। वो चलो सब पहले तुम्हें जैसा बताऊंगा, ये स्पिरिट मेल्टिंग पिल है। ऐसा लूंगा, मान गया। एकदम बढ़िया, मान गया। स्टोन सिटी के नाम से हिस्सा लेना, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? किसी वजह से मैं कंपटीशन में अपना भेष बदलूंगा, इसके अलावा मेरे नाम बदलने में आपको थोड़ी परेशानी होगी, इसे बदलने में मेरी मदद करें। यदि तुम हिस्सा लेना चाहते हो तो बस हिस्सा लो, क्यों छुपाना है अपनी पहचान? खेलना चाहते हो? ये पीछे से बोल ही रहा है, शांत नहीं हो रहा है। फिर इसका तुमसे क्या लेना देना, ये बेकार। नाम बदलना है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अब तुम्हारा नाम दर्ज करूंगा। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहूंगा। 3 दिन बाद पहला सेक्शन क्या जाएगा, हर गिल्ड से पार्टिसिपेट को भेजने के लिए पहला सेक्शन पार करना होगा। हर मेरा मतलब है यह ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता 3 दिन बाद। कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के तरीके को जानने के लिए आप दोनों के पास आऊंगा। इस बीच हम हमेशा यहीं रहेंगे, अगर कुछ मदद चाहिए तो हमें याद कर। अगर शोयान टॉप 10 में आ गया और ब्लैकस्टोन सिटी गिल्ड मशहूर हो जाएगा, अगले साल की फिंग भी हेड ऑफिसर के लिए खुल जाएगी। हाँ सच में, वो रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट। ये लोग बहुत खुश हो रहा है। ये पहली बार है जब मैंने इस तरह देख रही हूँ, बहुत ही बुरा है। शावियान फाइनली मान चुका है प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, क्योंकि अगर वो जीत गया प्रतियोगिता तो उसे वो सब मेडिसिन जो उसे चाहिए वो मिल जाएंगे। और बस इस एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड बाकी सब एपिसोड से थोड़ा ज़्यादा मज़ेदार लगा, क्योंकि दो कैरेक्टर जब नया जुड़ा है तो नया तड़का भी कुछ लगा इसमें। तो तुम भी बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि इस एपिसोड में तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था। तो मिलते हैं हम किसी और एनिमे एपिसोड में। बाय।